हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक अंडर आर्म्स को दोबारा से गोरा, सॉफ्ट और स्मूथ कैसे बनाएं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे खत्म करें। तो सारा कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। अंडर आर्म्स ही नहीं, जैसे कि आपका स्किन हो गया, टैनिंग आ जाती है एंड कोहनियाँ होती हैं, घुटने होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो हमारे ब्लैक पड़ जाते हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आईडी और सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इजीली मेरे सेकेंड चैनल पर इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सरसों का तेल, सरसों का तेल जो हम लोग सरसों मस्टर्ड ऑयल, ये प्योर ऑयल है, इसको निकलवाया गया है मशीन पे जाके, दुकान से नहीं लेना है प्योर ऑयल। दुकान वाला भी चलेगा अगर नहीं मिल रहा है तो, लेकिन प्योर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सरसों का तेल ले लेना है, उसमें ये है विटामिन ई की कैप्सूल, ये आपकी स्किन की स्किन को टाइटनिंग एंड ग्लोइंग बनाने के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ब्लैकनेस होता है, ये 100% रिजल्ट देता है। ये यूज़ किया हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ, और ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो सरसों का तेल है, ये जो जिनकी ऑयली स्किन है वो स्किप कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले सरसों की जगह पे नारियल तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले और जल्दी डार्कनेस को रिमूव करना है तो आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा। सरसों के तेल से जो हमारी डेड स्किन होती है एंड जो भी ब्लैकनेस होता है वो जल्दी रिमूव हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये विटामिन ई की कैप्सूल है, ये मैंने अपने बहुत सारे कस्टमर्स को बताया था जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी या फिर कोई रिएक्शन की वजह से फेस काला पड़ जाता है, ये माउथ के अराउंड सब जगह, तो उनका ठीक हो गया एक वीक में। ये आपको एक से दो यूज में ही रिजल्ट दिखा देगा। तो कैसे यूज करना है प्रॉपरली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका जो भी पार्ट ब्लैक हो चुका है वो दोबारा से आपका स्किन टोन में मैच हो जाए एंड सॉफ्ट, स्मूथ एंड फेयर दिखे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जितना भी यूज करना है आप अपने एक कटोरी में थोड़ा सा ले लोगे, तो अगर स्किन पे यूज करना है तो एक से दो चम्मच काफ़ी है। अब इतने से तेल में आपको विटामिन ई की कैप्सूल यूज करनी है। विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है, इसको पंक्चर कर लेना है सुई से, पिन से, जिससे भी आपको करना है, या फिर कैंची से इस तरीके से कट कर लीजिए। ओके, कट करने के बाद से आपको ऑयल में इसको अच्छे से निकाल लेना है। मैं दो कैप्सूल यहाँ पे ले रही हूँ। इसको आप बना के रख भी सकते हो काफ़ी टाइम के लिए, इसको बना के रखोगे ये आपको एक महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। बॉडी बॉडी लोशन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने फुल बॉडी को फेयर एंड खूबसूरत बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को, और अपने अंडर आर्म पे और जिस जिस पार्ट का एरिया आपका ब्लैक हुआ है वहाँ पर आपको सेकुलर मूवमेंट में कुछ इस तरीके से मसाज करना है। आप अपने फेस पे एंड बॉडी पे भी मसाज कर सकते हो, लेकिन इसको मसाज करने के बाद से 15 से आधा घंटा मैक्सिमम रखना है, और या फिर एक घंटा भी रख सकते हो। इसको रखने के बाद से आपको नॉर्मल पानी से, साबुन या बॉडी वॉश कुछ यूज नहीं करना, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। उसके बाद आपको स्क्रब करना है, स्क्रब कोई भी स्क्रब ले सकते हो, एवरी उसका स्क्रब अच्छा होगा अगर आप अंडर आर्म्स को जल्दी से क्लीन एंड क्लियर करना चाहते हो, तो वो ब्लैकनेस को क्लियर करना चाहते हो तो इस तरीके से मसाज करना है 5 मिनट तक सर्कुलर मूवमेंट में बॉडी के हर एक पार्ट पर जहाँ पर भी आपको ब्लैक दिख रहा है। फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो ड्राई स्किन वाले, तो इसको इस तरीके से अप्लाई करना है एंड 20 मिनट से आधा घंटा तक रख लेना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करके स्क्रब करना है। स्क्रब आप कोई भी यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा
माइल्ड स्क्रब नहीं यूज करना जिसमें कि दाने ना हो। आपको थोड़ा सा हार्ड स्क्रब यूज करना है, उसको अच्छे से स्क्रब करना है स्किन पे। स्क्रब करने के बाद से नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। आपको 1 से 2 रिजल्ट में इस आपको 1 से 2 यूज में रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, और हाँ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, और अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको अपने फेस पे यूज करके बता रही हूँ। वैसे ही आपको सेम अपने अंडर आर्म्स पे यूज करना है, डार्क सर्कल से यूज करना है। डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है ये टिप। मैं तो अभी नहा चुकी हूँ, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ब्लैक अंडर आर्म्स को साफ कैसे करें, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये ऑयली स्किन वाले सरसों का तेल फेस पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको पिंपल्स निकल जाए। इसलिए आप ऑयली स्किन है तो आप नारियल तेल यूज कीजिएगा। नारियल तेल से और जल्दी असर करेगा ये ऑयली स्किन वालों का, जो भी डार्कनेस एरिया होता है उसको साफ करने के लिए। और जल्दी और ज़्यादा असर चाहिए तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। अच्छे से एक डायरी पे नोट कर लीजिए, इसको बना के रख लीजिए और इसको यूज कीजिए, और रिजल्ट मुझे शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह कई बार गर्दन पे भी हमारे ब्लैकनेस पड़ जाती है, यहाँ यहाँ पे कई लोगों के, तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। जहाँ भी बॉडी का जिस भी पार्ट में आपको ब्लैकनेस लग रहा है वहां पे आप इसको यूज कीजिए, और रिजल्ट मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। स्क्रब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, स्क्रब आपको करना ही करना है जब भी आप इसको यूज कर रहे हो। और इसको हफ्ते में, जब तक आपका अच्छे से साफ नहीं हो जाता, डेली यूज करना है। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी नुकसान नहीं करेगा आपकी स्किन पे, बॉडी पे, फेस पे। और जो ऑयली स्किन वाली की प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया, इसकी जगह पे आप नारियल तेल यूज कर लीजिएगा। और जल्दी असर करना है तो आप एलोवेरा जेल भी इसे मिक्स करके रख सकते हो। ओके, तो मैं इसको बालों में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ड्राई लग रहे हैं तो मैं इसको बालों में अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाल में यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा विटामिन ई की कैप्सूल और तेल और मिक्स कर रही हूँ इसमें। जब भी हम लोग बाल में ऑयल यूज करते हैं तो उसको अच्छे से जड़ों में पहुंचाना जरूरी होता है। ऑयल करने के बाद से आपको बालों को थोड़ा स्टीम दे लीजिएगा। स्टीम देने से क्या होता है कि ऑयल अच्छे से आपकी बालों में जड़ों बालों की जड़ों में जाता है, और जो उसका वर्क है वो अच्छे से कर पाता है। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें अगर आप नाइट में यूज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट में क्या होता है कि हमारी स्किन एकदम रिलैक्स कर रही होती है, और जो भी प्रोडक्ट हम अपनी स्किन पे, बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो हमारे बॉडी में, सॉरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाती है। क्योंकि जब स्किन अच्छे से रिलैक्स कर रही होती है तो कोई भी प्रोडक्ट करोगे तो अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा, और वो अपना वर्क और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो ऑयल भी अगर आप लगा रहे हो तो रात में लगा लीजिए बालों में, फेस पे, स्किन पे, जो भी टिप्स वगैरह बताती हूँ, बस फेस पैक को छोड़ के। फेस पैक क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट में या फिर ड्राई होने के बाद निकालना पड़ता है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ऑयलिंग किए हुए बालों में, जिसकी वजह से बाल बहुत डैमेज एंड ड्राई दिख रहे हैं। तो अगर आपको बालों को अच्छा और हेल्दी रखना है तो आप ऑयलिंग बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ऑयलिंग करना स्किप मत कीजिएगा। ऑयलिंग करके कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिन तक तेल बालों में रखते हैं, उससे भी आपके बाल ख़राब होने लगते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं रखना है, और ऐसा भी नहीं है कि ऑयलिंग करना ही नहीं है, ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा जिसके भी ब्लैकनेस हो रहा है बाल स्किन पे, या फिर अंडर आर्म्स पे, या फिर प्राइवेट पार्ट्स पे। मैं तो कह रही हूँ कि इसको आप बॉडी लोशन की तरह बना के रख लीजिए, और नहाने के बाद तुरंत हल्का हल्का वॉश कर लीजिए। अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना है तो सिंपली नहा लीजिए उसको, ऐसे एक दो बूंद, इतना नहीं कि आपके फेस या बॉडी पे ऑयल दिखने लग जाए। अगर जल्दी असर चाहिए तो जैसे बताया है वैसे कीजिए, और धीरे धीरे असर करना है तो आप बॉडी लोशन की तरह इसको बना के रख लीजिए और अपना यूज करते रहिए पर डे। आपका फेयर हो जाएगा स्किन, फुल बॉडी वाइटनिंग टिप्स भी हो जाएगा। ये फुल बॉडी वाइटनिंग असर करता है ये, तभी बता रही हूँ आपको, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार।
लेंथ भी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है मेरी, तो मैं लेंथ में बहुत ज्यादा तेल लगा रही हूँ। बिल्कुल भी तेल को वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, सारा इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। अब अच्छे से इसको मैं हाई बन बना के छोड़ दूंगी, शाम को मैं वॉश करने वाली हूँ कम से कम 5-6 घंटे के बाद। अब मैं इसी तरीके से रह के पूरा दिन काम करने वाली हूँ पार्लर में। मैंने यहाँ पे नया पार्लर ओपन कर लिया है और मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ चैनल भी आप लोगों की वजह सपोर्ट सपोर्ट से बहुत अच्छा चलेगा। कैसा लगा आज का टिप्स आप लोग को? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको कुछ जानना है सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। जिन्होंने भी कमेंट किया था अंडरआर्म्स को शेयर करने के लिए, प्लीज़ ये टिप्स ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।